नमस्कार। निर्भया के आरोपियों को फांसी होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर है इस नौजवान की और इस तस्वीर में दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति वो नाबालिग है जो छह आरोपियों में से, क्योंकि चार को फांसी हो गई, एक राम सिंह ने सुसाइड कर लिया था, छठा आरोपी है और इसका नाम भी मुस्लिम नेम है। इसको ये लोग चर्चा में ला रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए तब जाकर न्याय मिलेगा। तमाम सारे लोग हैं ये भी शेयर कर रहे हैं कि कैसे केजरीवाल ने उन्हें बोर्ड के कहने पर, जुवेनाइल बोर्ड के कहने पर एक सिलाई मशीन 10,000 रुपये दिए थे। लगातार उस लड़के का नाम और जो तस्वीर है अलग अलग लोग शेयर कर रहे हैं। अब हम ये सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। पहले तो कानूनन गलत है कि आप एक नाबालिग की तस्वीर और नाम को इस तरह से मीडिया में लाएँ, सोशल मीडिया पर लाएँ, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमें इसकी सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी और वो सच्चाई आपको बताते हैं कि तस्वीर आई कहाँ से है। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, जिस तरह से इस लड़के की तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देख रहे होंगे गेट नंबर 11 अरबी में लिखा हुआ है और इधर यानी इस देश की तस्वीर कम से कम नहीं लगती है। कई जगह हो सकता है कि ऐसा मौका हो, लेकिन आप ये नीचे देखेंगे टी शर्ट पहने हुए स्मार्ट लड़का है, जबकि वो जो लड़का था जुवेनाइल जो था वो एक क्लीनर था। टी शर्ट हो सकता है वो पहनता हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस वो सच्चाई होगी। ये है वो नाम, आपने देखा इस पर क्या लिखा हुआ है, उसका नाम जो दावा किया जाता है कि यही नाम है मीडिया में, इसलिए चर्चा में रहता है ये। आगे आप ये देखिए कि ये बंदा जून 1, 2012 को ट्विटर पर आता है और दो ट्वीट अभी तक उसने किए हैं, या हेलो लिखकर चला जाता है। उसके बाद ये दोबारा आता है सितंबर 6, 2013। हमने दो तारीखें आपको इसलिए बताई, 1 जून 2012 की जो ट्वीट थी और वो 6 महीने बाद वो केस होता है, यानी ट्विटर पर पहले आ चुका था एक ट्रक क्लीनर। टिकटॉक पर तो आ रहे हैं, ट्विटर पर आना और वो भी यूएई से, इसकी लोकेशन यूएई बता रहे हैं। और उसके बाद ये लिखता है 2013 में, जबकि वो नाबालिग इस टाइम पे सितंबर 6, 2013 को पुलिस कस्टडी में या उस जुवेनाइल होम में होना चाहिए जहाँ उसे भेजा गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जब्बार या गफ्फार, सारे जहाँ के पालनहार। यहाँ पे एक लाइन है जो उसे इंडियन इशारा करती है, एक एक सांस आपकी मोहताज है या रब्बाउल अल्लामीन, ये लिख रहा है। अब आप ये जान लीजिए कि इसने जो तस्वीर लगाई है अपने इस ट्विटर अकाउंट पे, यही वो तस्वीर है जो शेयर की जा रही है। ट्विटर पर बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना अकाउंट बनाकर भूल जाते हैं या पासवर्ड भूल जाते हैं, दोबारा नहीं आते। तो जिस टाइम पर ये व्यक्ति जुवेनाइल होम में होना चाहिए था, ये ट्वीट नहीं कर सकता था। ये किसी व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट है जहाँ से तस्वीर लेकर लगातार ये बताया जा रहा है कि ये वो जुवेनाइल है, ये वो नाबालिग है जिसको कि निर्भया के केस में फांसी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत काम इसी ने किया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लीगली भी गलत हो, कल को इस व्यक्ति को अंदाज़ नहीं है कि आप इसका फ़ोटो लेकर किस तरह से शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का फ़ोटो अभी तक मार्केट में अगर आया भी है, मीडिया में अगर आया भी है, तो मुँह से कपड़ा ढका हुआ आया है, पुलिस ने उसकी पहचान जाहिर नहीं की है। ऐसे में अब कोई ये फ़ोटो शेयर करे तो आप उसे बताइए कि ये गलत फ़ोटो है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर और इंडिया न्यूज़। जय हिंद, थैंक यू, नमस्कार।